हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है अल्फा शुक्र। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, बात करते हैं चैप्टर वन के। जैसे हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के हम लोग पूरे वन शॉट पढ़ रहे थे, वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, तुम्हारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन के पूरे हम लोग वन शॉट पढ़ने वाले। क्या पढ़ने वाले? तुम्हारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन के। क्वेश्चन के वो भी हम लोग क्या करेंगे, वन शॉट क्वेश्चन देखेंगे, वो भी विद आंसर के साथ। ऐसा नहीं कि ओनली क्वेश्चन देखेंगे, ऐसा नहीं है, पूरे अच्छे से आंसर भी उसका करेंगे, पूरे चैप्टर वाइज चलेंगे, ठीक है। तो हमारा जो चैप्टर होगा उसका नाम क्या होगा, जीवों में जनन। क्या हो जाएगा? जीवों में जनन। ओके, तो जीवों में जनन की क्या है, इसका चैप्टर से हम लोग क्या करने वाले, पूरे 160 हम लोग क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले, ठीक है। जितने भी इंपॉर्टेंट है या फिर जितने भी आए हैं अब तक, जैसे आते हैं, पूरे कवर कर देंगे एक ही चैप्टर क्लास में, ठीक है। क्लियर पॉइंट? तो हम लोग इसका स्टार्ट करने वाले हैं, चलो देखते हैं, ठीक है। और हाँ, अगर तुम्हारी प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हो पाई है या फिर सोच रहे बोर्ड एग्जाम बहुत अच्छे तरीके से चला जाए, उसकी प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे, तो इससे जुड़ सकते हो, ठीक है। आ सकते हो यहाँ पे और जुड़ सकते हैं हमसे कि पूरी क्या करें, हम लोग अच्छे से उसकी प्रिपरेशन कर ले, अच्छे तरीके से इसकी पढ़ाई कर ले, बोर्ड एग्जाम के साथ गाइडेंस के साथ पूरे। ऐसा नहीं कि तुमको बुक खरीदने की अलग से जरूरत पड़े, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारे सारे बुकलेट वगैरह जो तुमको नोट्स के लिए प्रेफर होना चाहिए, इंपॉर्टेंट होना चाहिए, चाहे बुकलेट हो, मॉडल पेपर वगैरह, जो भी चाहिए, ए टू जेड बोर्ड एग्जाम के लिए बेस्ट प्रिपरेशन यहाँ पे करवाई जाती है, ठीक है। बेस्ट ए टू जेड एकदम बेस्ट पे बेस्ट यहाँ पे प्रिपरेशन कराई जाती है। आ सकते हो और ज्वाइनिंग कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अपनी तैयारी को नई उड़ान भी दे सकते हो, ठीक है। तो सोच की रहे हो, फटाफट आ जाओ, कॉल करो, आ जाओ यहाँ पे, ओके। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पे, ज्यादा बकवास नहीं करते होंगे, ओके। चलो, तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, कायिक प्रवर्धन क्या होता है, क्या है कायिक प्रवर्धन क्या होता है, इसकी क्या है। तो अगर मैं बात करूँ कायिक प्रवर्धन क्या होता है, अगर मैं इसकी बात कर लूँ, ठीक है, कायिक प्रवर्धन की अगर मैं बात करूँगी, कायिक प्रवर्धन क्या होता है, कैसे होता है, कायिक प्रवर्धन क्या होता है, इसमें सिंगल होता है, पैरेंटल होता है। ऐसा नहीं, कायिक प्रवर्धन में क्या होता है, नए पादप को उगाने के लिए ऐसा नहीं उसको बीज की सीड की जरूरत पड़ती, नहीं। कायिक प्रवर्धन में हम लोग प्लांट के किसी भी भाग से हम लोग नया प्लांट उगा सकते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, अगर मैं कायिक प्रवर्धन की बात करूं, कायिक प्रवर्धन को उगाने के लिए पादप के किसी भी भाग से नए पादप का फॉर्मेशन निर्माण कर सकते हैं, किया जा सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि उसमें सीड, जैसे कैसे कैसे उसका भाग ले सकते हैं, तो उसका बात करें पत्ती से, जड़ से, तना से, ठीक है, सेल से, टिश्यू से, ये सबसे क्या करते हैं हम लोग नया प्लांट उगा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग नया प्लांट उगा सकते हैं। और ये पैरेंटल, सिंगल पैरेंटल होता है, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि इसमें मेल फीमेल होता है, नहीं, ये सिंगल पैरेंटल होता है, ठीक है। क्या होता है, ये सिंगल पैरेंटल होता है, और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, नए प्लांट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। कई कोशिकाएं होती है जो बहुत तेजी से डेवलपमेंट करती है, बहुत तेजी से फॉर्मेशन करती है, ठीक है। पादप के किसी भी भाग से हम लोग क्या करते हैं, नया प्लांट उगा सकते हैं। और ये दो प्रकार की होती है, एक तो तुम्हारी नेचुरल होती है, तुम्हारी आर्टिफिशियल होती है, ठीक है। कृत्रिम विधि से भी करते हैं और तुम्हारे नेचुरल विधि से, तुम्हारे दो प्रकार की होती है। तो क्लियर इक्वेशन? तो कायिक प्रवर्धन क्या होता है, तुम्हारे सिंगल पैरेंटल होते हैं, इसमें मेल फीमेल की जरूरत नहीं पड़ता है, और इसके प्लांट के किसी भी भाग से हम लोग क्या करते हैं, नए प्लांट उगा सकते हैं। क्लियर पॉइंट? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फटाफट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, आराम से देखेंगे, टेंशन मत लेना कहीं भी, ठीक है। पूरा 160 कंप्लीट करने वाले हम लोग एक ही क्लास में, ठीक है। इसी तरह सारे चैप्टर रिवाइज करेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, फिर एक एक दिन क्या करेंगे, तुम्हारे तीन चार होने के बाद लॉन्ग क्वेश्चन लेके आ जाएंगे, ठीक है, एकदम पूरे दीर्घ उत्तरी जो होते हैं, बहुत लॉन्ग लॉन्ग, ये तो तुम्हारे सब्जेक्टिव है, शॉर्ट क्वेश्चन, लघु उत्तरी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन तुम्हारा क्या दिया है, मूकलन क्या होता है, क्या बोल रहा है कि मूकलन क्या होता है, मूकलन किसे बोलते हैं, इसको इंग्लिश की बात करें, इसको क्या बोलते हैं, बडिंग कहा जाता है, क्या बोलते हैं इसको, हम लोग बडिंग कहते हैं,
ठीक है, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, बडिंग कहा जाता है, कि बडिंग क्या होता है। ओके, अगर मैं बडिंग की बात करूं, ठीक है, तो ये किस में होता है तुम्हारी बात करूं, तो ये ईस्ट में होता है। मुकुलन कहते हैं बहुत सारे जीवों में क्या होता है, उसको नए बॉडी का फॉर्मेशन करने के लिए, ठीक है, क्या बोल रहा है इसमें, कि नए जीवों के फॉर्मेशन करने के लिए। अगर मान लो ईस्ट वगैरह है तो उसमें मुकुलन के द्वारा, कि अगर जैसे मान लो एक कोशिका है, ठीक है, तो इससे क्या करते हैं, दो कोशिकाओं का फॉर्मेशन करते हैं, मतलब दो संतति, क्या बोलते हैं कि दो संतति कोशिका जीव का फॉर्मेशन अगर हम लोग करते हैं, कोशिका का फॉर्मेशन या फिर जीव का फॉर्मेशन अगर होता है तो बडिंग द्वारा। और ये किस में होता है, तुम्हारा ईस्ट में होता है, किस में होता है, तुम्हारा ईस्ट में होता है, ठीक है। इन सब में क्या होता है, तुम्हारा मुकुलन के द्वारा होता है। एक तुम्हारा बाह्य मुकुल हाइड्रा में भी होता है तुम्हारा, ठीक है, किस में होता है, तुम्हारा हाइड्रा में, ठीक है। तो नए जीवों के फॉर्मेशन के लिए, ठीक है, नए बॉडी का, फिर नए जीव का, जो संतति जीव होते हैं, ओके, के निर्माण के लिए। मुकुलन का, ठीक है, मुकुलन के द्वारा होता है। ओके, किसके द्वारा होता है, मुकुलन के द्वारा होता है, क्लियर है पॉइंट, किसके द्वारा होता है, ये मुकुलन के द्वारा किया जाता है, क्लियर है पॉइंट। तो बात करें बहुत सारे जो जीव होते हैं उसमें जो निर्माण की फॉर्मेशन होती है, ये क्या होते हैं, बहुत खास तरीके से होते हैं, उनकी बॉडी का फॉर्मेशन कैसे होते हैं, अलैंगिक जनन की एक विधि होती है। अगर मैं इसकी विधि की बात करूं, ठीक है, अगर मैं इसकी विधि की बात करूं, तो ये किस में होता है, तुम्हारे अलैंगिक जनन में, किस में होता है, तुम्हारा अलैंगिक जनन में होता है, ठीक है, बस इतना ध्यान देना। यह भी क्या होती है, जनन की एक प्रक्रिया होती है, जिसमें क्या होता है, अलैंगिक जनन के द्वारा हम लोग नए जीव, नई संतति का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। स्पंज में भी होता है तुम्हारा, ठीक है, हाइड्रा में, स्पंज में भी तुम्हारा क्या होता है, इसी का यूज किया जाता है, ठीक है, स्पंज में, हाइड्रा में, ठीक है, ये सब क्या होता है, इसके एग्जाम्पल होते हैं। इसमें क्या होता है, तुम्हारा नए बॉडी का फॉर्मेशन, नई संतति का जो निर्माण होता है पेरेंट्स से, इसमें मेल फीमेल नहीं होता है, सिंगल बॉडी होता है, एक नया पेरेंटल होता है, नया जनक बॉडी होता है, जिससे क्या होता है, नए बॉडी का फॉर्मेशन किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला प्रश्न पे, अगला क्वेश्चन तुम्हारा है अलैंगिक जनन, ठीक है, क्या बोल रहा है कि तुम्हारा अलैंगिक जनन क्या होता है, ठीक है। तो अगर हम अलैंगिक जनन की बात करें, कि अलैंगिक जनन क्या होता है, अगर उसकी बात करें, ठीक है, तो यह क्या होता है, इसमें जनन क्या होता है, संतति निर्माण का एकल पैरेंटल होता है, इसमें भी मेल फीमेल नहीं होता है, ठीक है। तुम्हारा जो अलैंगिक जनन होता है, ठीक है, तो अगर बात करें ये क्या होता है, अलैंगिक जनन जो होता है संतति का निर्माण करता है, क्या करता है, अलैंगिक जनन से संतति का निर्माण होता है, ओके, निर्माण एकल जनक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगल पैरेंटल के द्वारा होता है, ओके, ओके, सिंगल पैरेंटल के द्वारा होता है, ओके, क्लियर बात है यहां तक, सिंगल पैरेंटल के द्वारा होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, सिंगल पैरेंटल के द्वारा होता है, क्लियर बात है।
इसमें क्या होते हैं, ये अतः ऐसे संतान होते हैं जो क्या करते हैं, एक दूसरे से क्या होते हैं, बिल्कुल समान होते हैं। इसमें जो भी संतान होते हैं ना, संतान जो इसमें उत्पन्न होते हैं, संतान जो इससे उत्पन्न होते हैं, ठीक है, होते हैं, वे बिल्कुल समान होते हैं, ठीक है। वो क्या होते हैं, एक दूसरे से बिल्कुल क्या होते हैं, समान होते हैं, हूबहू क्या होते हैं, बिल्कुल मैच होते हैं, ठीक है, हूबहू क्या होते हैं, बिल्कुल मैच होते हैं, एक दूसरे से बिल्कुल क्या होते हैं, समान होते हैं। क्लियर पॉइंट यहां तक, ठीक है। इसमें भी बहुत सारी चीजें आती है, तुम्हारे विखंडन आते हैं, मुगलर आते हैं, ठीक है। उसमें भी अगर एग्जाम्पल की बात करूं, अमीबा, पैरामीशियम, युगलीना, ये सारे से एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, पुष्पी पादपों में भ्रूण, ठीक है, भ्रूणोद्भिद क्या, वर्णन कीजिए कि भ्रूणोद्भिद क्या होता है, ठीक है। तो पुष्पी पादपों में अगर मैं जायगोट की बात करूं, ठीक है, जायगोट के अंदर क्या होता है, तुम्हारा अंडाशय के अंदर बनता है, तुम्हारा पुष्पी पादप जायगोट क्या होता है, अंडाशय के अंदर बनता है। पुष्पी पादपों में जायगोट की बात करूं, इसका युग्मनज की बात करूं, जो तुम्हारा युग्मनज होता है वो क्या होता है, अंडाशय के अंदर बनता है। ये क्या होता है, युग्मनज जो होता है ये क्या होता है, तुम्हारा अंडाशय के अंदर बनता है, और निषेचन के पश्चात क्या होता है, तुम्हारा पुष्प के बाहदल बनते हैं, पंखुड़ियां वगैरह। जब तुम्हारा फर्टिलाइजेशन होता है ना निषेचन के बाद, ठीक है, जो तुम्हारा निषेचन होता है, पॉलिनेशन वगैरह, निषेचन उसके बाद क्या होता है, तुम्हारा पूर्ण फूल, ठीक है, बाद उसमें पंखुड़ियां वगैरह क्या होता है, इसका क्या होता है, निर्माण हो जाता है। इसमें पंखुड़ियां की बात करें, सेपल पेटल क्या होता है, मुख्य जड़, ये सब क्या होते हैं, पंखुड़ियां मुरझाकर गिर जाती है, पुष्प जो बाहदल होता है, ठीक है, निषेचन के बाद, निषेचन की क्रिया होती है, उसके बाद क्या होता है, वो सब पंखुड़ियां बनते हैं, उसके बाद वो सब झड़ जाते हैं, गिर जाते। हालांकि बात करें कुछ पौधे, जैसे कि बात कर सकते थे रस भरी, इसकी बाहदल जो होती है फल से क्या होते, पूरी तरह ढके रहते हैं, तो वो जल्दी नहीं गिरते हैं। तो भ्रूण भीड़ का मतलब तुम्हारा यही होता है, ठीक है, टमाटर में, बैगन में, ठीक है, बाहदल फल में क्या होता है, ये सब भरे पड़े रहते हैं, वो गिरता नहीं है। और अंडाशय क्या होता है, तुम्हारे इसमें फल का जो निर्माण होता है ना, जो इसमें अंडाशय होते हैं, ओवरी विकसित होकर क्या करता है, तुम्हारा फल का निर्माण करता है, अंडाशय, ओवरी, विकसित होकर, ठीक है, ठीक है, ओवरी जो होता है ये विकसित होकर क्या करता है, तुम्हारा फल का फॉर्मेशन करता है, फल का निर्माण करता है, ठीक है। और जब ये पूरा बन जाता है, बड़ा हो जाता है, फिर ये क्या करता है, अब विकसित होता है, बीज का फॉर्मेशन करता है, जब भ्रूण बनेगा, फल बनेगा, उसके बाद क्या होता है, तुम्हारा बीज का फॉर्मेशन, क्लियर दिख रहा है ना, नोट डाउन भी करते चलो, ऐसा नहीं कि बस मैं पढ़ाती रहो, तुम बस ऐसे देखते रहो, पढ़ाई ना करो, ठीक है, तो ये मत करो, पढ़ते भी रहो साथ साथ में, ठीक है, पढ़ते भी रहो और क्लियर करते चलो, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अनिषेक जनन क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा है, अनिषेक जनन फल क्या होता है, जिसमें क्या होता है, बिना निषेचन का फल का फॉर्मेशन हो जाए, ठीक है। इसमें क्या होता है, अनिषेचन में अंडे का विकास क्या करते हैं, उसे पूर्ण जीव के शरीर से बिना निषेचन के हो जाता है, ठीक है। क्या होता है, अनिषेक जनन में क्या होता है, बिना निषेचन का, ठीक है, निषेचन का जीव का, या तो फल में बात, फल का निर्माण हो जाए, ठीक है, निर्माण हो जाए, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनिषेक जनन कहा जाता है, जिसमें निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती, उसी को हम लोग अनिषेक जनन कहते हैं। और ये बहुत सारे जानवरों में भी होता है, प्लांट में, अगर मैं इसमें एनिमल्स की बात करूं, ठीक है, अगर मैं एनिमल्स की मैं बात करूं, तो किसमें होता है, तुम्हारे आर्थ्रोपोड्स में, क्या होता है, आर्थ्रो
पोड्स में होता है, ठीक है, जो तुम्हारे आर्थ्रोपोडा होते हैं ना, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, कुछ कशेरुकियों में होता है, ठीक है। और हमारे ये नेचुरल भी होते हैं और तुम्हारे वैसे भी होते हैं, आर्टिफिशियल भी होता है और वैसे भी होता है। और उसमें बात करें कुछ मधुमक्खी वगैरह में होते हैं, वैसे फल की बात करूँ तो सेब में होता है, ठीक है। अगर मैं प्लांट्स की मैं बात करूँ तो किस में होता है, एप्पल्स में होता है, ठीक है। तो ये सब में क्या होता है, तुम्हारे अनिषेक जनन फल होता है, ठीक है, अनिषेक जनन होता है, जिसमें बिना निषेचन का हमको फल का निर्माण हो जाए या फिर जीव का निर्माण हो जाए, उसको बोलते हैं अनिषेक जनन कहा जाता है। क्लियर है, जितना बोल रहे उतना बस समझ लो, ठीक है। बाकी ऐसा नहीं कि नहीं क्लियर होगा, ये भी नहीं होगा, वो नहीं होगा, ऐसा नहीं है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द्विखंडन एवं बहुखंडन में क्या करना है, अंतर स्पष्ट करना है कि द्विखंडन क्या होता है, बहुखंडन क्या होता है, ठीक है। फटाफट देख लेते, दो तीन पॉइंट देखे, ऐसा नहीं कि बहुत डिटेल डिटेल जाना, ऐसा नहीं, ठीक है, सिंपल सिंपल पूरा देख लेते हैं। तो एक साइड क्या करेंगे ना, द्विखंडन, क्लियर हो रहा है ना, ठीक है। एक साइड क्या करते हैं, द्विखंडन लिखते हैं, एक साइड क्या करते हैं, बहुविखंडन लिखते हैं, बहुखंडन क्या होता है, ठीक है। और इसमें अंतर भी देख लेते हैं, तो अगर द्विखंडन की बात करूं, ठीक है, अगर द्विखंडन की बात हो तो इसमें क्या होता है, दो संतान की उत्पत्ति होती है, क्या होते हैं इसमें, दो संतान की उत्पत्ति होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, दो संतान की उत्पत्ति होती है, ठीक है, दो संतान की उत्पत्ति होती है। और इसमें क्या होती है, कई संतान की उत्पत्ति, बहुखंडन में क्या होता है, इसमें कई संतान की उत्पत्ति होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, कई संतान की उत्पत्ति होती है, क्लियर है। द्विखंडन में क्या होता है, सिर्फ दो, एक कोशिका टूटता है इसमें तो दो का फॉर्मेशन करता है, ये कोशिका है तो इसमें दो का फॉर्मेशन करता है। लेकिन अगर यही चीज इसमें होता है तो इसमें कई फॉर्मेशन होता है, ठीक है, इसमें कई कोशिकाओं का फॉर्मेशन कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, तुम्हारा बहुविखंडन होता है, मल्टीपल होता है, ठीक है। और ये तुम्हारा बाइनरी होता है, जिसमें दो ही का विभाजन हो, ठीक है। इसमें एक दो पॉइंट और देख लो, ठीक है, द्विखंडन में, ओके। तो अगर मैं द्विखंडन की मैं बात करूं, ठीक है, इसमें मैंने एक तुम्हारा एग्जांपल, अब इसमें क्या होता है, केंद्र क्या होता है, केंद्रक निकाय एक ही बार विभाजन होता है। इसमें क्या होता है, अगर मैं केंद्रक का डिवीजन की बात करूं तो केंद्रक विभाजन जो होता है एक बार होता है, क्या होता है, एक बार होता है, एक बार, ठीक है। और इसमें क्या होता है, केंद्रक का विभाजन ठीक है, जो केंद्र का अगर विभाजन की बात करते हैं, ये क्या होता है, कई होता है, ठीक है, मल्टीपल होता है, बहुत बार होता है, इसीलिए तो बहुत सारे सेल बनते हैं। अगर एक ही होगा तो सिर्फ एक का फॉर्मेशन होगा, लेकिन इसमें क्या होता है, बहुत बार केंद्र का विभाजन होता है, एक केंद्र का क्या होता है, बहुत बार, मल्टीपल फ्यूजन इसमें होता है, ठीक है, मतलब बार बार विभाजन होता है, इसमें बोल सकते हैं बारम्बार, ठीक है, इसमें बारम्बार होता है विभाजन, ओके, बार बार होता है। और इसमें क्या होता है, कोई भी शेष भाग नहीं बचता है, अवशेष इसमें नहीं बचता है, अवशेष इसमें नहीं, कोई नहीं अवशेष, लेकिन इसमें क्या होता है, अवशेष बचता है, ठीक है, इसमें अवशेष तुम्हारा बचता है, क्लियर है पॉइंट यहां तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ज्यादा नहीं है, छह सात क्वेश्चन और है, ठीक है, सातवां 13 क्वेश्चन है, मतलब कि चार पांच क्वेश्चन और हैं आपके, फटाफट करा देंगे क्योंकि ये लघु उत्तरी है, पूरा 160 इतना ही क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है यहाँ से, ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा है। अगर मैं द्विखंडन की बात करूँ, अभी जस्ट मैंने इसके बारे में बताया, यही सारा सेम है, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे तुम्हारा द्विखंडन के बारे में बताया कि इसमें ऐसे होते, इसमें दो होता, सेम वही है, ठीक है, सेम यही है, बस अगर कुछ अलग लिखना चाहते हैं तो ये लिख सकते हैं, ये क्या होता है, तुम्हारे अलैंगिक जनन होते हैं, क्या होते हैं, ये तुम्हारे अलैंगिक जनन होते हैं, ठीक है, इसमें कोई मेल फीमेल नहीं होता है, इसमें सिंगल पैरेंटल होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, तुम्हारे एकल जनक होते हैं, क्या होते हैं,
एकल जनक होते हैं, ठीक है, सिंगल पैरेंटल सेल होता है, किसमें मेल फीमेल नहीं होता है, सिंगल पैरेंटल सेल होता है, जो डिवीजन करता है उसी की बॉडी से क्या होता है तुम्हारे संतति का फॉर्मेशन होता है, और ये इनके कैरेक्टर वगैरह दिखने में भी क्या होते हैं, बिल्कुल समान होते हैं, ठीक है, बिल्कुल क्या होते हैं, ये समान होते हैं। एक तरह की बात करें ये अलैंगिक जनन की क्या होती है, ये क्रिया विधि होती है, ठीक है, जो तुम्हारा द्विखंड बाइनरी फ्यूजन होता है ना, असल में तुम्हारा यही होता है, ठीक है, अलैंगिक जनन की क्या होती है, एक मेथड होती है, क्रिया विधि होता है, जिसके बाद क्या करता, डिवीजन करता है और उसी से क्या करते हैं, उसी संतति का भी फॉर्मेशन होता है, इसमें केंद्रक विभाजन होता है, तुम्हारा कोशिका द्रव्य विभाजन होता है, और पुत्री कोशिकाओं को ये क्या करता है, जन्म देती है, क्या क्या करता है इसमें, तुम्हारा केंद्रक का डिवीजन होता है, ठीक है, केंद्रक विभाजन होता है, केंद्रक कोशिका विभाजन के द्वारा, ठीक है, पुत्रीय कोशिका ठीक है निर्माण होता है, ओके, इसी के द्वारा क्या होता है, तुम्हारा पुत्री डॉटर कोशिकाओं का क्या करता है, ये फॉर्मेशन करता है, क्लियर पॉइंट यहां तक, ओके, समझ में। अगर एग्जाम्पल की मैं बात करूं, इसमें कुछ एग्जाम्पल अगर लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ठीक है, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, कि इनकी बॉडी से टूटकर क्या करता है, नए बॉडी का फॉर्मेशन करता है, पॉइंट क्लियर यहां तक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है, अगला क्या है आपका, विपुंशन क्या होता है, ठीक है, विपुंशन से क्या तात्पर्य है, विपुंशन क्या होता है इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है, अगर मैं विपुंशन की बात करूं तो कोई एक बार कोई मादा होता है, अगर मादा जनक की बात करें, जो तुम्हारे द्विलिंगी होते हैं, ठीक है, द्विलिंगी क्या करते हैं, तुम्हारा पुष्प धारण करते हैं और पराकण में तुम्हारा स्फुटन, जब पॉलिनेशन पुष्प धारण करते हैं, स्फुटन तो जरूर से होगा, फूटेगा पराकण, पॉलिनेशन की क्रिया होती है, पुष्प कलिका में पराकोष बनते हैं, ये सारी जो क्रियाएं होती है, उसके जोड़ा के होते हैं, हम लोग इसमें एक तरह से बोल सकते हैं आर्टिफिशियल तरीके से होता है, जैसे मान लो विपुंशन का जो तात्पर्य रहता है ना, जो हम लोग पॉलिनेशन, जो तुम्हारा परागण होता है ना, परागण की जो क्रिया होती है, ठीक है, जो तुम्हारे पॉलिनेशन, इसका जो क्रिया होता है, ठीक है, पॉलिनेशन की क्रिया, या तो कह सकते हैं जो हाथों से हम लोग चिमटी के द्वारा कराते हैं, ठीक है, कृत्रिम विधि से, आर्टिफिशियल मेथड के द्वारा, विधि के द्वारा, चिमटी की सहायता से, ठीक है, सहायता, परागण की क्रिया, कराने की विधि, ठीक है, विपुंशन कहते हैं, ठीक है, ये जो क्रिया होती है जो हाथों के द्वारा किया जाता है, मतलब उसमें चिमटी की सहायता से हम लोग सारी क्रियाएं कराते हैं, फिर पॉलिनेशन की क्रिया कराते हैं, ये सारा जब मेथड होता है, ये सब की क्या कराता है, तुम्हारा विपुंशन के अंतर्गत आता है, चिमटी की सहायता से तुम्हारा पुंकेशन क्या होता है, पॉलिन ग्रेन लेते हैं, फिर वर्तिकाग्र स्टिग्मा पे डालते हैं, फिर पॉलिनेशन की क्रिया होती है, ये जो पूरी प्रोसेस होती है ना, ये तुम्हारा विपुंशन कहलाता है, ये पूरा विपुंशन ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला है आपका जनन क्या होता है, ठीक है, रिप्रोडक्शन, आपका रिप्रोडक्टिव क्या होता है इसकी बात कर लेते हैं, क्लियर पॉइंट। तो जनन वह प्रक्रिया होती है जिसमें क्या करता है, जो भी जनक अपने जैसे संतान उत्पन्न करता है, ठीक है, जो जीवों द्वारा अपने जैसे जीव उत्पन्न करता है, तो क्या लिखेंगे, जनन वह प्रक्रिया होती है जिसमें जीव
अपने जैसे संतति उत्पन्न करते, ठीक है, और अपना अस्तित्व पृथ्वी पर लंबे समय तक, ठीक है, कायम रखते हैं, ठीक है। देखो, कोई भी जीवधारी क्या होता है, अपने जैसे कैरेक्टर के, अपने हूबहू दिखने वाले जंतु को, जीव जंतु को क्या कहते हैं, अपनी पीढ़ी को एक लंबे समय तक जीवित रखने के लिए, ठीक है। जनन इसीलिए आवश्यक है कि अगर पैदा नहीं करोगे बच्चे को, अगर कोई भी संतति है, अगर नहीं उसको उत्पन्न करोगे, तो वो क्या होता है, लंबे समय तक क्या करते हैं, उसके अस्तित्व खत्म हो जाएगा। सुना भी होगा कि जो संकटग्रस्त जाति हो गए, दुर्लभ हो गए, ये सारे जो जीव जंतु होते हैं, ये क्या कहते हैं, अगर बच्चा पैदा ना, इन्वायरमेंट के हिसाब से क्या करते हैं, विलुप्त हो जाते हैं। तो जनन इसीलिए आवश्यक है कि अपने जैसे संतति को, अपने कैरेक्टर वाले जीव जंतुओं को क्या करते, लंबे समय तक वहां पे जीवित रह सके, अपना अस्तित्व बना सके, ठीक है। इतना ही है जनन, कुछ और नहीं है, ठीक है, क्लियर पॉइंट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्यादा क्वेश्चन नहीं, लास्ट का तीन और है, वो भी देख लेते हैं, ठीक है। बाह निषेचन क्या होता है, तो नॉर्मल सी भाषा करें, बाह निषेचन की मैं बात करूं, ठीक है। तो निषेचन की क्रिया क्या होती है, जब शरीर के बाहर हो, क्या होता है, निषेचन की क्रिया, जो तुम्हारा निषेचन होता है, बच्चे पैदा जो होता है, बच्चे का फॉर्मेशन जो होता है, ये सारी क्रिया क्या हो, शरीर के बाहर हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बाह निषेचन कहते हैं, ठीक है। निषेचन की क्रिया दिख रहा है ना, क्रिया शरीर के बाहर हो, ठीक है, इसे बाह निषेचन कहते हैं, ठीक है। जो क्रिया क्या होती है, शरीर के बाहर होते, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बाह निषेचन कहते हैं। एग्जांपल जैसे लिख लेना, मेढक, ठीक है, मेढक क्या करता है, पानी में अंडे दे देता है, और उसकी क्या होती है, फर्टिलाइजेशन होती रहती है, जो शरीर के बाहर होता है, सो सफल बनाने से नर और मादा क्या करते हैं, शरीर के बाहर पानी में क्या कहते हैं, अपने अंडे दे देते हैं, ओवा दे देते हैं, स्पर्म देते हैं, और वही क्या कहता है, फर्टिलाइजेशन होता है, और हमारी बॉडी का, पूरे बेबी का फॉर्मेशन क्या होता है, शरीर के बाहर होता है। आंतरिक निषेचन भी इसी तरह होता है, जिसमें शरीर के अंदर क्या हो, बेबी का फॉर्मेशन, जैसे मनुष्य होता है, इन लोगों का क्या होता है, शरीर के अंदर पूरे बेबी, वेल डेवलप बेबी का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद क्या करते हैं, बेबी बाहर आता है, तो इसको हम लोग आंतरिक निषेचन कहते हैं। पूरी घर की भाषा में बता रही है, आराम से तुम्हारी भाषा में बता रही हूँ, ठीक है, बढ़िया सा, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन तुम्हारा, कायिक प्रवर्धन से क्या समझते हैं, ऐसा क्वेश्चन रिपीट है, बस पूछने का तरीका अलग हो गया। तो कायिक प्रवर्धन पता है ये क्या होता है, कि मैं बता दूं फिर से, ठीक है, तो ये क्या होती है, एक लैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है, क्या होती है, यह अलैंगिक जनन की, ठीक है, ठीक है, यह क्या होती है, अलैंगिक जनन की क्या होती है, प्रक्रिया होती, जिसमें पादप के किसी भाग से नए पादप, मतलब संतति का संतति का निर्माण करते हैं, ओके, संतति का निर्माण किया जाता है, क्लियर पॉइंट। तो कायिक प्रवर्धन तुम्हारा यही होता है, जिसमें क्या करते हैं, उसके उसमें बहुत सारा होता है कायिक प्रवर्धन, तुम्हारी रनर होता है, ठीक है, राइजोम वगैरह होता है, जैसे तुम्हारा बात करें किसके किसके द्वारा करते हैं, तुम्हारा राइजोम के द्वारा करते हैं, रनर होता है, ठीक है, इन सब के द्वारा क्या करते हैं तुम्हारा, ठीक है, इस सकर होता है, कंद होता है, ट्यूबर वगैरह के द्वारा हम लोग क्या करते हैं,
एक नए बॉडी का फॉर्मेशन बल्ब होता है, ओके। तो इन सब में क्या कहते हैं, जो आदि अदरक होता है, हल्दी होता है, गन्ना वगैरह होता है ना, उन सबका जो नया प्लांट होते हैं उगाते हैं हम लोग, तो ये सारा चीजें क्या होता है, तुम्हारा कायिक प्रवर्धन के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, क्लियर है पॉइंट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन की अवधि से आप क्या समझते हैं। तो ये क्वेश्चन मैं बता दूं, लिखाने वाला तो कुछ है नहीं इसमें, जीवन की अवधि से आप क्या समझते हैं। तो कोई भी जो जीव जंतु होता है जन्म से लेकर मृत्यु के बीच में, ठीक है, जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक बीच की जो अवधि होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जीवन अवधि कहते हैं। क्या बोलते हैं, किसी भी जीव के जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु, ठीक है, जो नेचर के हिसाब से हो, ऐसा नहीं कि खुद का सुसाइड वगैरह कर लिया उसको, नहीं, प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवधि अवधि को जीवन अवधि कहते हैं। ठीक है, यही होता है जीवन अवधि, सब क्या समझते हैं, तो यही होता है। ठीक है, किसी भी जीव के जन्म से लेकर जो उसकी प्राकृतिक जो नेचुरल मृत्यु होती है वहां तक की अवधि को हम लोग क्या बोलते हैं, जीवन अवधि कहते हैं, ओके। अब बरगद वगैरह का तुम्हारा 200 साल हो, ठीक है, पीपल का 300 से 2000 से 3000 तक साल हो, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो इसमें तुम्हारा पादप का भी ले सकते हैं, ठीक है, पादप भी ले सकते हैं, और तुम्हारा क्या है, जंतु का भी, किसी भी का, कि उसका जीवन काल कितना होता है, किसी भी प्लांट का बरगद वगैरह भी ले सकते हैं कि औसत तुम्हारा जो प्रकार का मतलब 70 से 80 साल है, ठीक है, या फिर बरगद का 200 साल है, पीपल का बात करें 2000 से 3000 साल है। तो ये सबका हम बता रहे हैं कि मतलब एक तुम्हारा जन्म हुआ उसकी नेचुरल कैसे मृत्यु हो गई, खत्म हो गया, उसके बीच की जो जीवन अवधि होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीवन अवधि कहते हैं, जीवन काल को। लास्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आपका ग्राफ्टिंग क्या होता है। ठीक है, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है ये आपका, इसके बाद ये तुम्हारा जो चल रहा था ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ग्राफ्टिंग क्या होती है, ये भी एक तकनीक होती है जिसमें क्या करते हैं, दो भागों को जोड़ने का कार्य करता है। अगर मान लो एक डंठल यहाँ एक डंठल यहाँ है, ठीक है, सोचेंगे ना कि अगर मान लो एक तुम्हारा एक ये है, ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, एक प्लांट है, ठीक है, एक प्लांट की टहनी है, इसमें सोचेंगे कि कुछ नया प्लांट, ठीक है, जैसे गुलाब का लेते हैं, सोचेंगे कि एक तुम्हारा लाल गुलाब है उसमें पीले गुलाब का दोनों का ऐड करके लगा दे तो उसमें नया फूल खिलेगा ना। तो यहाँ पे क्या करते हैं, कोई दूसरा लगा देते हैं, क्या करते हैं यहाँ पे, दूसरा लगा देते हैं, ये तुम्हारा दूसरा लगा दिया, ठीक है, इसको जोड़ दिया या इसको बाइंडिंग कर दिया, इसको बाइंडिंग करके जोड़ दिया, ठीक है, इसको क्या किया इसको बाइंडिंग करके क्या किया, जोड़ दिया, बिल्कुल, ठीक है, बाइंडिंग करके जोड़ दिया। अब कुछ टाइम बाद इसको देखेंगे ना तो ये पूरा ज्वाइंट हो जाएगा, पूरा क्या हो जाएगा, बाइंडिंग हो जाता है। तो दो भागों को जोड़कर जो नया भाग बनाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राफ्टिंग कहा जाता है। क्या बोलते हैं उसको, ग्राफ्टिंग कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन मैं लिखवा नहीं रही हूँ, ठीक है, ये क्वेश्चन मैं नहीं लिखवा रही हूँ, ये आप लोग खुद से कर लीजिएगा, ठीक है, मैंने बता दिया। तो ग्राफ्टिंग एक ऐसी तकनीक होती है जिसमें क्या करते हैं, पादप के दो भागों को जोड़कर एक नया भाग, कुछ टाइम बाद क्या करता है, ये ज्वाइंट हो जाता है और उसे एक नया प्लांट हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, रूट का भी, स्टेम का भी, ये सभी चीजों का इसमें यूज किया जाता है, कैम्बियम इसको बोलते हैं, इसमें कैम्बियम जुड़ जाता है। अब बोलोगे क्या चीज इसमें ज्वाइंट हो जाता है, तुम्हारा कैम्बियम जो होता है, ठीक है, कैम्बियम ही क्या करता है, ये जुड़ जाता है और उसी से क्या करता है, नए प्लांट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो आज की क्लास कैसी लगी तो ये बताना। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं इसी तरह चैप्टर वाइज लेके, ठीक है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों लेके मिलेंगे किसी और क्लास में, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपके।